अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बात बरो सीरीज़ के टॉप 10 कैरेक्टर्स की। इस सीरीज़ में जो बेस्ट कैरेक्टर्स हैं उनमें डिस्कशन होगा। और मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। मैं सोच नहीं पा रहा था किसको फर्स्ट पर रखूँ और किसको सेकेंड पर, लेकिन तब भी मैंने कुछ डिसाइड किया है और क्यों किया है वो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बारबरोस का फोर्थ वॉल्यूम बहुत अच्छा था। और भाई अभी तक नहीं देखा तो देख लो जाकर, इंतज़ार मत करो वरना बाद में पछताओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ अपडेट है सीरीज़ से और कुछ पिक्चर्स भी आई हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर हैं हसन। इस कैरेक्टर में दम बहुत है, ये एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है और बोरिंग नहीं है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हसन को उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला है तो उसको लिस्ट में ऐड करना एक गलती है, इससे अच्छा किसी और एक्टर को या कैरेक्टर को ऐड कर सकते थे। लेकिन मैं उन सबको बता दूं कि इस कैरेक्टर में दम है और ये आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। अभी भी जो डिसएग्री करते हैं वो ये सीन देख लें। नंबर 9 पर आते हैं शाहीन बे। शाहीन बे किलिच बे के बेटे हैं और उरूस से बहुत जलते हैं, लेकिन इस कैरेक्टर में दम है और जब तक मेन लीड के लिए मुश्किलें पैदा नहीं होंगी तब तक मेन लीड मतलब जो मेन कैरेक्टर है वो अपने आप को और बेहतर नहीं बना पाएगा और सीरीज़ उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए ख़तरनाक विलेंस की भी सीरीज़ में ज़रूरत है और शाहीन बे एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। देखते हैं ये बंदा उरूज के साथ हो जाता है या फिर उरूज के हाथों मारा जाता है। नंबर 8 पर आती है एक मिस्टीरियस कैरेक्टर, इनका नाम है इजाबेल। इजाबेल उरूज की सपोर्टर है और सिल्वियो की बेटी। ये इस सीरीज में अपने पापा के बिल्कुल खिलाफ हो गई हैं उरूज के लिए। और एक और गड़बड़ है इनकी लाइफ में, वो ये है कि इनका भाई लापता है, मतलब कहीं ना कहीं तो है और कौन है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सिल्वियो ने उसके साथ कुछ गलत किया है। देखते हैं क्या होगा इस कैरेक्टर के साथ। और ये कैरेक्टर हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है। नंबर 7 पर है इलियास। इलियास उरूज रईस के भाई हैं और उरूज रईस के साथ हमेशा रहते हैं। ये कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है, अभी भी ये लर्निंग स्टेज में है और ये चाहते हैं कि मेरे भाई का सपना पूरा हो जाए और हम लोग के पास एक शिप आ जाए। देखते हैं इनका सपना पूरा होता है या नहीं। नंबर 6 पर है आंतुआन। आंतुआन एक बहुत ही ज़बरदस्त विलन है और ये आगे भी सीरीज़ में बहुत कुछ करने वाला है। एक बात तो आंतुआन की माननी पड़ेगी कि बंदे में डर नाम की चीज़ नहीं है। इशाक के घर में घुस के इशाक की पूरी फैमिली को मार डालता है और फिर इशाक को किडनैप कर लेता है और उरूज को बता भी देता है कि हाँ भाई मैंने ही किया है, दम है तो बचा लो। लेकिन भले रूस से बदला ले नहीं पाया, लेकिन तब भी बंदे में दम है, इतना करना एक बहुत बड़ी बात थी और अभी भी बहुत कुछ कर सकता है ये, क्योंकि सीरीज़ के मेन विलेन पाइत्रो के साथ ये बहुत बड़े बड़े कारनामे करेगा, तो देखने में मज़ा आएगा। और अगला बोलम इसी पर है, देखते हिजिर भाई को क्या होता है, मतलब हिजिर को गोली मार दी रात को ने, वो तो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे ही और उस पर वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। अब बारी है टॉप 5 की। 5वें नंबर पर आते हैं जाफर। जाफर में बहुत दम है, वो उरूज के लिए सारे काम मुश्किल कर देता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगले बोलम में जाफर मर जाएगा। मतलब जो सीन अभी चल रही है, जो आग लगाई है जाफर ने, मतलब जो शिप है उसको दागने का जो प्लान था, मतलब ब्लास्ट करने का प्लान था, उसी प्लान में ये मारा जाएगा और उरूज मेरे हिसाब से मार देगा अगले बोलम में इसको। देखते हैं जाफर कहाँ तक टिकते हैं, लेकिन अभी तक जो इस बंदे ने काम किया है बहुत ज़बरदस्त काम किया है। नंबर 4 पर आते हैं इशाक रईस। इशाक रईस वो हैं जिनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया है, अब उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 भाई हैं जो इनके पीछे पड़े हुए हैं और इनको नई नई मुसीबतों में डाल रहे हैं। लेकिन हमज़ा की
शक्ल में उनको इनके बेटे दिखाई देते हैं, और इसलिए वो अब हमज़ा की मदद करना चाहते हैं। और अब देखते हैं अलेक्जेंड्रिया जब पहुँचेंगे इशाक रईस तो क्या होता है वहाँ पर। नंबर 3 पर हैं हिजर। इस बंदे को देखने पे लगता है कि बहुत समझदार इंसान है, और उलान्श टूना ने जो एक्टिंग की है वो भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है, और हिजर को फिर से ज़िंदा कर दिया है। हिजर एक समझदार और निडर आदमी आपको दिखेंगे इस सीरीज़ में, और ये अभी भी बहुत कुछ अपने भाइयों से सीखेंगे, और फिर यही हरुद्दीन बारबरोसा बन के आप सबके सामने आएंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, इस बंदे को हम लोग देखते रहेंगे। और यहाँ पर इशाक और हिजर साथ में ही हैं, तो उन दोनों की एक सीन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सीन मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त सीन थी, आप लोग देख लीजिए और फिर बताइए कि कैसी सीन थी ये। अब आपको जो इंतज़ार था वो टाइम आ चुका है, टॉप 2 की बात करने जा रहे हैं हम। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि टॉप 2 से भी अच्छा एक बंदा है, और उसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, उसको हम लोग 0 नंबर पर रखेंगे। तो तैयार हो जाइए टॉप 2 के लिए। नंबर 1 और नंबर 2 की जो लड़ाई थी उनमें दोनों कैरेक्टर्स में इक्वल पावर था, मतलब दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। नंबर 2 पर है उरूज बारबरोसा। अब आप सोच रहे होंगे नंबर 1 पर तब मैंने किसको रखा, तो उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ सुनकर थोड़ी अजीब लगी होगी, मैंने इशाक को रईस बोला, हिजर को कुछ नहीं मतलब सिर्फ हिजर बोला, और उरूज को बारबरोस बोला। आपको ये पता है कि हिजर भी बारबरोस थे और उरूज भी बारबरोस थे, अगर दोनों थे तो मैंने एक को ही क्यों बोला? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। एक हिंट भी आपके लिए कि मैंने इस सीरीज़ में हर एक बंदे को उसी नाम से बुलाया है जो वो इस टाइम पर है, मतलब अभी तक जो 4 बोलम आए हैं उनके हिसाब से ही कहा है, मतलब ये नहीं कि किसी को बाद वाला कह दिया है, जैसे कि हिजर को कह दिया हरुद्दीन बारबरोसा, लेकिन मैंने वही कहा है जो वो करेंटली है। तो आप लोग अब बताइए कि मैंने उरूज को बारबरोस क्यों कहा और हिजर को बारबरोस क्यों नहीं कहा, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब आते हैं अपने उरूज रईस पे। उरूज रईस की स्माइल से लेके उनकी फाइटिंग स्किल्स तक सब ज़बरदस्त है। इस बंदे के बारे में बात ही क्या करनी जिसको एंगिन आल्तान जैसा लेजेंड प्ले कर रहा है। एंगिन आल्तान से बढ़िया एक्टर आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, बराबरी के एक दो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन इनसे अच्छा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इस बंदे की आवाज़ में इतना दम है कि सीरीज सुपर हिट हो जाती है, मतलब इससे अच्छा एक्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और बारबरोस सीरीज़ के बारे में आपको मैं एक फैक्ट बता दूं कि 80% ऑडियंस जो इस सीरीज़ को देख रही है वो उरूज रईस के वजह से ही देख रही है, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस सीरीज़ में एंगिन आल्तान है। अगर एंगिन आल्तान इस सीरीज़ में ना होते तो ये वीडियो बनता ही ना। उरूज के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, तो अब चलते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर मैंने रखा है पाइत्रो को। मतलब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई हाँ कैरेक्टर में दम है, लेकिन इतना भी दम नहीं है कि उरूज रईस को क्रॉस करके आगे निकल जाए। तो मैं बता दूं कि क्यों मैंने इसको आगे रखा है। ये उरूज रईस से अच्छा नहीं है, लेकिन उरूज रईस के बराबर है इस सीरीज़ में, और इसलिए मैंने इसको आगे रख दिया, क्योंकि भाई एंगिन की बराबरी करना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। अब मैं बता दूं कि इस बंदे ने उरूज रईस की बराबरी कैसे की, ये कुछ डायलॉग्स हैं वो सुनिए। Ve sonunda onları Akdeniz'in maviliklerine gömeceğiz. Burnumuzun dibine kadar girip çanımızı patlatan, sonra da burnu kanamadan bu adadan kaçabilen birini bu peşine gönderdiğin devriyeler mi bulacak? Or is bende ki facial expression pe zarur dhyan dijiye aap log. Fazla laf istemem küstah! हमको ऐसा ही विलन चाहिए था बारबरोस सीरीज़ में, और हमको ये मिल चुका है। ये बंदा हिजर के बारे में भी जान चुका है, उरूज के बारे में भी जान चुका है, लेकिन ये नहीं जानता ये दोनों जो इसके दुश्मन हैं वो दोनों भाई हैं। तो मतलब बहुत मज़ा आने वाला जब इसको पता चलेगा कि हाँ ये दोनों भाई हैं। और इस बंदे की आप एक्टिंग देख सकते हैं, वर्ल्ड क्लास एक्टर है। देखना है क्या होता है पात्रों के साथ, कौन इसको मारेगा, मतलब हाँ विलन है तो मरेगा ही भाई। अब देखते हैं कौन इसको मारेगा, उरूज, हिजर या फिर कोई और। अब कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, जैसे दस्पिना और जैनब, दोनों बेकार के कैरेक्टर्स हैं। दस्पिना बहुत बोरिंग है और जैनब बोरिंग नहीं है, लेकिन जैनब को फालतू में
हिजर के साथ रखा जा रहा है। मतलब उसका कोई रीज़न नहीं था, बस उसको साथ में लाना ही था और वो लेके आ गए। कालिमनोस वो पता नहीं कैसे पहुंच गई, मतलब उसको भेजना ही था कि हाँ जाओ तुम हिजर के साथ रहो। और फिर यहाँ पर जो मिदिली आई थी वो भी हमज़ा पता नहीं कैसे वहाँ पर पहुंच गए। हाँ उसको जाना था मिदिली, और वहाँ पर ज़ैनब जानती भी नहीं थी कि हमज़ा है कहाँ, और उसको ढूंढते ढूंढते वहीं पहुँच गई और वहाँ पर उसको बचा के पहुँच गई मिदिली। मतलब ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। अब देखते हैं इस कैरेक्टर के साथ होता क्या है, इसकी मिस्ट्री क्या है। मिस्ट्री से भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है। मिस्ट्री अच्छी होती है तब जब आप कुछ और ढूंढ रहे हो और आपको मिस्ट्री मिल जाए, तब बहुत मज़ा आता है। लेकिन इस कैरेक्टर में मिस्ट्री का इंतज़ार है, मिस्ट्री जब आएगी तब वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो इसलिए कैरेक्टर बोरिंग हो जाएगा। अब बारी है इस सीरीज़ के सबसे अच्छे कैरेक्टर की, वो है रात को। रात को पायत्रो उरूज हिजर सबसे अच्छा है, क्योंकि बंदा सब कुछ अकेले खुद ही कर रहा है। हिजर के पीछे कब से पड़ा हुआ है, सारी लड़ाइयाँ वही करता है, सारी चोट वही खाता है। पायत्रो तो झूठ में मतलब फालतू का हीरो बना हुआ है, मतलब हीरो वाला विलन। तो मैं ये बताता हूँ, रात को ने बहुत काम किया है और बंदा कब मरेगा पता नहीं, लेकिन मेहनती इंसान है। देखना है क्या होता है इस कैरेक्टर के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।